अब गो करोगे भाई अगले। ऐसी सब्जी निकालते इससे मेहनत करनी पड़ती है इसमें बहुत। हरी पत्ती आने के लिए ना वो हमने यहाँ पे गाय को ला दी। हरे हरे जो दाने दिख रहे हैं इसमें ये बीज होता है धनिया का। आलू खत्म हो जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से प्याज शुरू हो जाते हैं। पिछली बार तो एक ही डब्बा ले गए थे, इस बार दो दो डब्बे चाहिए सभी को। डबल डिमांड आई है सबकी इस बार। वहाँ वाले पहाड़ में तो बर्फबारी हो रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया है। आज मेरे साथ यहाँ पे बहुत नए नए लोग हैं। ये है मेरे मासी जी आए हुए और ये है मेरे भाभी जी जो मेरी वीडियो निकाल रहे हैं। हेलो करो। हेलो हेलो हाय। और ये पीछे मेरे दादी और ये आए हुए हैं सब्जी के लिए। ये क्रैड की सब्जी के लिए आए हुए हैं। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ पेड़ को, ये द्राट मेरे हाथ में तो इससे निकालनी पड़ी ये। और ये नीचे रहेंगे पकड़ेंगे और निकालेंगे सब्जी फिर अपने लिए। इसको बोलते करेड़ा हमारी पान लैंग्वेज में। इनको उठाते हैं ऐसे, देखो ऐसी सब्जी निकालते इससे। मेहनत करनी पड़ती है इसमें बहुत बहुत। पहले इसको पेड़ से निकालते हैं ऐसे करके देखो, फिर इसको ऐसे करके निकालते हैं सब्जी अलग करते हैं इसको, फिर इसको बॉईल करना पड़ता है पहले, फिर जाके इसकी सब्जी बनती है। फ्रेंड्स वो लोग ना उतने में सब्जी निकाल रहे हैं और मैं घर आई थी। मैंने गाय बाहर छोड़ी है, उनको घास दिया है और अब मेरी दादी ने जो खेत में थोड़ा सा घास निकाला हुआ है वो मैं ले आने जा रही हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ सकती है कभी भी। तो ये गोबर का किल्टा है, ये मैं साथ ही जाऊँगी खेत को। यहाँ पे मैंने घास ला दिया है, अब दूसरा गोबर का किल्टा है यहाँ पे, इसको मैं ले जाऊँगी साथ में खेत। ये देखो फ्रेंड्स हमने सब्जी निकाली ये वाली, और जो सिहारी पत्ती आने के लिए ना वो हमने यहाँ पर गाय को ला दी है। ये देखो फ्रेंड्स मेरे मासी जी और भाभी जी जो है घर चला गए हैं और मैं आई हूँ अब खेत को हरे घास के लिए। और ये देखो दराटी और ये है मेरी सेल्फी स्टिक, इससे मैं वीडियो निकालती हूँ। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको खेतों में बताती हूँ आजकल हमारी फसलें क्या क्या लगी हुई है। ये यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है और ये नीचे वाला खेत हमारा है जिसमें ये फ्लावरिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा। इससे ऊपर वाला मेरी बड़ी मम्मी वगैरह का है और ये वाला हमारे गाँव में ही है औरों का। और ये देखो यहाँ से ऊपर को किस कुछ इस तरह का व्यू है, ऊपर को हमारा घर है। ये पीछे को थोड़ा सा आपको छप्पर दिख रहा होगा ना, ये हमारा घर है। यहाँ पे ना मटर लगे हुए हैं आजकल, ऐसे होते हैं मटर के पेड़। और आजकल देखो यहाँ पे बस यहीं पे मटर लगे हुए हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं है। एक भी खेत बाकी मटर नहीं मिलेंगे कहीं पे भी नहीं, बस एक ही खेत है ये यहाँ पे। और ये भी औरों का है, ये भी हमारा अपना नहीं है। यही वो खेत है जहाँ से मुझे घास निकालना था और मैंने घास निकाल भी दिया है क्योंकि बारिश की बूंदें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कहीं ज़्यादा बारिश ना आ जाए इसलिए मैं पहले निकाल देती हूँ, फिर घास गीला हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये सबसे बड़ा खेत है हमारी जितनी भी ज़मीन है, सबसे बड़ा खेत ये वाला है। यहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन लगी हुई है, यहाँ पे एप्पल्स लगे हुए हैं, आलू लगाए हैं और प्याज लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इतना सा मैंने ये किल्टा भर दिया है। और यहाँ से आगे जो है मैं आपको खेत में बताती हूँ। ये सबसे पहले तो यहाँ पे सेब के पौधे मिलेंगे जिसमें कि आजकल बहुत अच्छी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो फ्रेंड्स खेत में ना बीच में से ऐसे रास्ता जाता है और रास्ते के इस साइड में कुछ भी नहीं बीजा हुआ है, इसमें सिर्फ पीछे सेब के पेड़ आपको दिख रहे होंगे जिसमें कि अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं। और रास्ते के इस साइड में जो है हमने आलू और प्याज लगाए हुए हैं। तरफ को चलते हैं तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको घास दिख रही होगी नीचे, यहाँ पे ना हमने हल काफ़ी लेट लगाया था तो इसमें घास उग रही है। और यहाँ पे आपको आलू दिख रहे होंगे बीच बीच में थोड़े थोड़े से, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसकी हरी हरी पत्तियाँ बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ से लेकर आलू शुरू होता है और वहाँ तक इसमें आलू बीजे हुए हैं। ना पीछे आलू खत्म हो जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से प्याज शुरू हो जाता है जिसकी हरी हरी पत्तियाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी हो गई है। और ये हरी सब्जी के बीच में ना बहुत टेस्टी भी लगती है। यहाँ से प्याज शुरू हो जाता है जो कि वहाँ तक लगाया हुआ है, देखो यहाँ तक लगा हुआ है प्याज। और यहाँ के आगे फिर से आलू लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना हमने एक ड्रम भी रखा हुआ है जिसमें हमने पानी भर के रखा हुआ है। तो इस वाले खेत में ना काफ़ी सारी प्लांटेशन है। एक्चुअल में ये खेत बहुत बड़ा है और जब इसमें स्प्रे करने की बारी आती है तो आसानी हो जाती है, यहीं से पानी नहीं तो इतना सारा पानी घर से ढो के करना पड़ता है, और इसलिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है ड्रम भर। यहाँ पर देखो फ्रेंड जी ना इस बारी प्लांटेशन की गई है, इस बारी इसमें ये कलम की गई है और इसमें देखो कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है,
फर्स्ट टाइम ही एक साल में ही उसमें इतनी सारी फ्लावरिंग आ गई है। मैंने जो है घास निकाल दिया है, दराटी और ग्लव्स जो मैंने किल्टे में ही डाल दिया है ऊपर, और मौसम भी ना ऐसे कुछ ड्रामे कर रहा है, कभी धूप लग जाती है और कभी बारिश की बूंदें आती है, कभी ना ही बारिश अच्छे से हो रही है ना ही धूप अच्छे से लग रही है, बस ऐसे ही ड्राई जा रहा है। तो चलिए अब चलती हूँ मैं घर। अपना मौसम हमारी साइड से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, वो देखो ऊपर को कितने काले काले बादल आ गए हैं और लाइटिंग भी बहुत तेज़ से कड़क रही है उस साइड से, और ये देखो उस साइड से तो उतना है भी नहीं बट इस साइड को बहुत ही काले काले बादल छा गए हैं। तो पता नहीं अब या तो बहुत तेज़ तूफान आने वाला है या तो भयंकर बारिश आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चलते हैं घर की तरफ। देखो फ्रेंड्स धनिया, पहले इसमें कितनी अच्छी पत्तियाँ हुआ करती थी जब हम इसको सब्जी के लिए ले जाते थे, और अब देखो इसमें बीज लग गए हैं ऊपर। ये जो होता है ना हरे हरे जो दाने दिख रहे हैं इसमें, ये बीज होता है धनिया का। हवा इतनी अच्छी चल रही है ना अभी धीरे धीरे से, और ये देखो पीछे मेरे पीछे आपको जौ लहराते हुए दिख रहे होंगे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। मैं ना इधर को आई थी घर से इधर को, और वहाँ पे मैंने खिल्टर रखा हुआ था जहाँ मैंने गोबर लाया था, और फिर मैं यहाँ देखने के लिए आ गई कि यहाँ पे छूट ना गई हो सब्जी जो हमने निकाली, क्योंकि उस टाइम मैं भी जल्दी में थी, वो लोग भी जल्दी में थे, उन्हें घर जाना था और मुझे घास निकालना था क्योंकि बारिश आने वाली थी उस टाइम, बूंदाबांदी हो रही थी। और फिर मैं देखने को आई थी कि यहाँ पे कुछ होना छूटा हुआ, तो मैं ले जा रही थी क्योंकि हमने अपने लिए एक सब्जी निकाली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस बारे में, ये एक पेड़ लगा हुआ है सडनली, पता नहीं बीज होता है इसका एक, और इसके बीज यहाँ नीचे को भी काफ़ी सारे गिर चुके हैं और यहाँ नीचे को भी बहुत सारे पेड़ लग चुके हैं, बट मेन पेड़ यहाँ पे ये दो है, एक ये वाला है और एक ऊपर वाला है, इसमें सब्जी लगी होती है काफ़ी सारी, लोग दूर दूर से आते हैं सब्जी के लिए निकली क्योंकि बहुत टेस्टी होती है, और उससे भी अच्छा होता है इसका अचार। पिछली बार हमने इसका अचार बनाया था मिक्स, हमने उसने उसमें जो है लहसुन डाली थी और गलगल डाला था, मतलब खट्टा जिसको बोलते हैं, जिसका मुरब्बा भी बनाते हैं वो भी डाला था, इतना टेस्टी बना था ना वो अचार, और पिछली बार हमने दिया भी काफ़ी लोगों को था, और जिन्होंने लिया ना पिछली बार वो इस बार मतलब ऐसे भूल रही कि पिछली बार तो एक ही डब्बा ले गई थी, पर इस बार दो दो डब्बे चाहिए सभी को, डबल डिमांड आई है सबकी इस बार, तो अचार इसका और भी ज़्यादा टेस्टी होता है और सब्जी तो होती ही होती है। तो अभी ये निकालने के लिए हुए नहीं थे वैसे, बट फिर भी अब इसका सीज़न आ चुका है, इसकी कलियाँ तो थोड़ी थोड़ी बड़ी और होनी है अभी, अभी ये छोटी है अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, तो चार पाँच दिन बाद हम इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसका अचार बनाएंगे, उसका ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि आज कुछ तूफान ही होने वाला है, तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, हवाएं नहीं बोल सकते, आंधी तूफान बोल सकते हैं, तो मेरे को तो बहुत डर लगता है आंधी उसे, और सबको लगता होगा, और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम तो चारों साइड से इतना ख़राब हो चुका है ना, बहुत काले काले बादल आ चुके हैं। वो देखो फ्रेंड्स उस साइड को ना मेरा घर है वहाँ पे, और ऊपर देखो कितने काले बादल आए वहाँ पे, और वहाँ वाले पहाड़ में तो बर्फबारी हो रही है, वहाँ पे ना बर्फबारी हो रही है, और इस साइड को भी बहुत काले काले बादल है, और इस साइड को भी आप देख सकते हैं, और यहाँ देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि ये सनसेट का टाइम हुआ है। मैं तो जा रही हूँ अब घर को क्योंकि बहुत तेज़ी से बिजली गड़क रही है, हवाएं चल रही है, और मेरे को ना ठंड लग रही है सीरियसली बहुत ज़्यादा, हम आग जला के जो अंदर बैठे हुए थे। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, इसका मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।